त्रिपुरा में पहली बार चार महिला जिम्नास्ट को 40 दिवसीय सीनियर नेशनल कैंप के लिए चुना गया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए दीपा कर्मकार, अश्मिता पॉल, प्रियंका दास गुप्ता और प्रतिष्ठा समंता को चुना गया है। इस कैंप में जीतने वाले जिम्नास्ट को 2021 में जापान में हो रहे वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सोमवार को इन सभी चार जिम्नास्ट को सम्मानित किया। इस दौरान दीपा कर्मकार के कोच विश्वेश्वर नंदी को भी राज्य में जिम्नास्ट के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल लेवले वर्ल्ड चैम्पियनशिपे जावर जो दिल्ली से कोचिंग हो 40 दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे एखान दीपा सह ये चार जन चार मे एक संगे प्रथम बारे मत चान्स पे तार मध्य दीपा कर्मकार, अस्मिता पाल, प्रियंका दासगुप्ता एवं प्रतिष्ठा सामंत एखान चार चार्टी जे हमारे सोनार मे आज के कोचिंग सिलेक्ट हो इंटरनेशनल जिमनास्टिंग चैम्पियनशिपर जो तो हमें आशा करी जे कोचिंग पर हमें त्रिपुरार चार मेयर मध्य सबाई जाते से जगह पहुँचते परे से मा त्रिपुरा श्री मातार काछे प्रार्थना करब जन गर्वर विषय जो हमारे विश्वेश्वर नंदीर मतो कोच आछे एवं दीपार मतो सोनार मेये आछे। सच में बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद हमारी कैंप शुरू है, नेशनल कैंप 8 सितंबर से 17 अक्टूबर तक है और बीच में ट्रायल्स भी है 14-15 की, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एक साउथ एशियन चैम्पियनशिप का ट्रायल्स है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद हमें एक कैंप का वो माहौल मिल रहा है ट्रेनिंग का आफ्टर सीनियर्स के बाद। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज मेरे जितने भी जूनियर्स हैं हम सब नंदी सर के पास ट्रेनिंग करते हैं और हम सर की चार स्टूडेंट, आई थिंक हम अभी 16 मेंबर है और 16 मेंबर पे त्रिपुरा से ही सबसे ज़्यादा है चार, और वो भी चार की चार हम नंदी सर की स्टूडेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं यही बोलूँगी हम वहाँ जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और अपने बेस्ट परफॉर्म कर पाए, वही मेरा सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगा।